जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान की आर्टिकल 370 को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। जम्मू कश्मीर जो अब तक विशेष राज्य का दर्जा पाता रहा था, अब वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश होगा, जिसमें अब राज्य का प्रमुख राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री नहीं। देश की राजधानी दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा होगी। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। SP कांग्रेस ने भी विरोध जताया। पूर्व कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 पर किए गए ऐतिहासिक फैसले पर नाराजगी जाहिर की। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जिन्ना भारत के लिए जो चाहता था, आज आर्टिकल 370 हटने से वही होगा। जम्मू कश्मीर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। पाक विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत का फैसला हमें स्वीकार नहीं है। भारत की कोशिश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल श्रीनगर पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि डोभाल अपनी यात्रा के दौरान राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने का सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार का संकल्प पत्र पेश किया। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। आर्टिकल 370 के अलावा राम मंदिर भी टॉप ट्रेंड में आ गया है। उन्नाव दुष्कर्म कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सेंगर और सह आरोपी शशि सिंह को तिहाड़ भेजा है। 7 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई तय की गई है, जिस दिन सेंगर की भी पेशी होगी। बिहार के पूर्णिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी जा रही स्लीपर बस पूर्णिया डिवाइडर से टकरा गई। बस के डिवाइडर में टकराते ही बस के टैंक में आग लगने से करीब 20 लोग झुलस गए और कई घायल हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से अग्रिम जमानत की अपील स्थानीय अदालत में की गई है। आजम के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 3 महीनों में 64 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से सिर्फ 28 मामले पिछले महीने ही दर्ज हुए हैं।